रहमानी रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। और आज मैं जो आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है माश की, तड़के वाली माश की दाल। तड़के वाली माश की दाल के लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं वो ये थोड़ी सी चीज़ों से हम बनाएंगे। और इसमें मैं पिसा हुआ धनिया और सुर्ख मिर्च यूज़ नहीं कर रही, नमकीन दाल बना रही हूँ और बहुत मज़े की बनती है ये। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें और मेरी वीडियोस पर कमेंट भी किया करें और लास्ट तक मेरी वीडियो देखा करें ताकि आपको पता चले कि मैं अपनी रेसिपी आपसे कैसे शेयर करती हूँ। तो इसके लिए मुझे चाहिए माश की दाल के लिए, ये मैंने ली है माश की दाल, तकरीबन ये एक कप है। मैं अपना जो मेरी बड़ा कप होता है ना उससे मैंने इसको नाप लिया है, ये एक कप दाल है, तकरीबन एक पाव से थोड़ी सी ज़्यादा। और ये दो टमाटर लिए मैंने छोटे वाले, दो छोटी प्याज और ये एक टुकड़ा अदरक का, तीन सब्ज़ मिर्चें और ये तीन से चार ये पांच जवे लहसुन के हैं। ये सब इनका मैं एक पेस्ट बना लूँगी, ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँगी सारी चीज़ों को। और ये इसमें मसाले डालेंगे, हस्ब जायका नमक, आधा चाय का चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और पिसी हुई आधा चाय का चम्मच काली मिर्च, ये इसके मसाले हैं। और ये है इसका भंगार जो हम तड़का लगाएंगे, एक खाने का चम्मच ज़ीरा, पांच जो हैं ये छोटी गोल वाली लाल मिर्च और ये छोटा सा ये हींग, हींग है, हींग से जो दाल गैस करती है ना, तो हींग अगर आप डालें ना भंगार में या तड़के में तो फिर दाल जो है वो गैस नहीं करती और बहुत सही हज़म हो जाती है। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं माश की तड़के वाली दाल। ये मैंने दाल धोकर डाल दिया, भिगोई नहीं है। माश की दाल को अगर भिगो देना तो फिर ये गलती नहीं है जल्दी से, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ही भिगोकर चढ़ा दिया। थोड़ा सा इसमें बॉयल आएगा, चूल्हे की आंच क्योंकि कम है तो इसमें जैसे ही बॉयल आएगा तो फिर मैं इसमें जो आपको बताया था ना टमाटर प्याज अदरक और उसका पेस्ट बनाकर रख लिया मैंने, वो मैं इसमें डाल दूँगी ज़रा इसमें बॉयल आ जाए। हमेशा आप अगर प्रेशर कुकर में दाल बनाएं तो पहले उसमें अच्छी तरह से बॉयल आ जाए फिर आप उसको प्रेशर दिया करें। चलें फिर मैं अब इसको थोड़ा सा बॉयल आ जाए फिर मैं इसमें डालती हूँ टमाटर का पेस्ट। अभी दाल में बॉयल नहीं आया क्योंकि आँच बहुत कम है, तो इसलिए मैंने पहले मैं इसमें डाल दूँगी ये मसाले, नमक काली मिर्च और ज़ीरा और ये पेस्ट बना के मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया, इसको डाल दूँगी। इसमें थोड़ा सा पानी और जो तड़के वाली दाल पतली बना रही हूँ तो मैं इसमें पानी डाल दूँगी। बस वाइट कलर की दाल बनती है ये, इसमें हल्दी नहीं डलती जो मैं बनाती हूँ। वैसे अमूमन हल्दी आम रूटीन से जो सालन या चीज़ बनती है उसमें आम रूटीन से ज़्यादा दाल में हल्दी ज़्यादा डलती है, लेकिन मैंने इसमें नहीं डाली। और आप इसे अपने घर में बनाइएगा फिर मुझे बताइएगा कमेंट करके कि कैसे लगी। बस ये इसमें बॉयल आ जाएगा ना फिर मैं इसको बंद कर दूँगी। देखें माशाल्लाह से दाल हमारी कितनी अच्छे से गल गई है और थोड़ा सा अभी इसमें पानी है, ये एक जान हो जाएगी ना फिर मैं इसको एक अलग बर्तन में निकाल के तड़का लगा दूँगी। अभी मैं इसको एक जान कर रही हूँ ताकि इसका जो पानी है ये ऊपर ना आए जब हम तड़का लगाएं। तो वाइट वाइट दाल थोड़ा सा कलर मुख्तलिफ है इसका क्योंकि इसमें मैंने हल्दी नहीं डाली और ना ही रेड चिली, जो थोड़ा सा ये रेड कलर है ना ये टमाटर मैंने ब्लेंड करके डाले थे ना उसकी वजह से आया है, वरना इसमें मैंने रेड चिलीज बिल्कुल भी यूज़ नहीं की। काली मिर्च और ज़ीरा और नमक, बस सब्ज़ मिर्च पीस कर डाली है। चलें फिर इसको मैं छोटे बर्तन में निकाल के इसको तड़का लगा दूँ। ये मैंने ले लिया है घी, बनस्पति घी लिया है, उसका तड़का लगाऊंगी मैं दाल में। और ये लिया है मैंने लहसुन और अदरक, मैंने आपको उसमें नहीं फर्स्ट वीडियो में नहीं बताया कि जो इंग्रेडिएंट्स बताई थी उसमें नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ये चॉप कर लिया है अदरक और लहसुन, बाकी उसमें पेस्ट में डाला है थोड़ा सा। इसको मैं थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लूँगी
क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा डाल दिया। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा फिर मैं इसमें ज़ीरा और जो रेड गोल वाली मिर्चें रखी हुई है ना वो यूज़ करूँगी। वनस्पति घी का तड़का लगा रही हूँ मैं। ये देखें तड़का बहुत प्यारी खुशबू आ रही है अदरक और लहसुन की। थोड़ा सा गोल्डन हो जाए ना, लाइट गोल्डन हो गया है, इसमें डाल दूंगी। मैंने ये हींग लिया है, जीरा है और रेड चिलीज गोल वाली। इसका ज़्यादा नहीं, मैं इसको गोल्डन नहीं करूँगी ज़्यादा। तड़का लगा देंगे हम इसमें, ये देखो बिस्मिल्लाह। तड़के वाली दाल, माश की दाल रेडी है, मैं अभी इसे सर्व कर दूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी माश की दाल तड़के वाली, नमकीन माश की दाल तड़के वाली रेडी है। मैंने इसको सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिए से गार्निश कर दिया है। साथ मैंने इसको खीरा के काट के उसकी सलाद बना के सर्व करके थोड़ा सा सब्ज़ धनिया भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है। ये बहुत अच्छा लगता है सब्ज़ धनिया। और उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा वीडियोस पर कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, मुझे ताकि मुझे मेरी हौसला अफज़ाई हो। और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दुआ में मुझे याद रखें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।